हेलो फ्रेंड्स, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निमोनिक मेथड से आर्टिकल्स का ये चौथा पार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर इसके पहले आपने वीडियो देख चुका है थर्ड पार्ट, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पावर और उसके बारे में सारा आर्टिकल्स रिलेटेड है, और ये सारा आर्टिकल्स हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहें और कंप्लीट देखें। अगर फ्रेंड फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो ये वीडियो मेरा चौथा पार्ट है। इसके पहले बहुत सारे निमोनिक मेथड से मैंने करवा चुका हूँ, तो वो वीडियो देखें। जो जो वीडियो आपको अच्छा लगे वो वीडियो आप देख सकते हैं आसानी से। ये चौथा पार्ट है, इसके पहले तीन पार्ट आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना डिले किए हुए इस वीडियो को देखते हैं और सारा आर्टिकल्स को कवर करते हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, उनका पावर, शक्तियाँ। तो फ्रेंड्स, जो पहला होता है भारत के राष्ट्रपति, तो दोस्तों देखिए ध्यान से, भारत के राष्ट्रपति क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो क्या है? एक तरह का शेर है, भारत के लिए शेर है। हालांकि उनका जो पावर है बहुत हाई है, बट उनका काम बहुत कम है। प्राइम मिनिस्टर का काम ज़्यादा हो जाता है, प्रेसिडेंट का काम कम होता है, बट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट ही है। तो वो एक तरह का किस तरह का है? शेर की तरह है। क्या है? शेर की तरह। तो बस आप ऐसे याद रखेंगे, जब भी आएगा भारत के राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो बस आपको याद रखेगा भारत के राष्ट्रपति क्या है? लायन है, शेर की तरह है। बस आप देखिए ध्यान से, एल का कोड होता है दोस्तों, आई का कोड नहीं होता है, ओ का कोड नहीं होता, एन का कोड नहीं होता है। तो एल का कोड कितना होता है दोस्तों? एल का कोड 5 होता है, एन का कोड 2 होता है। आर्टिकल 52 से बिलोंग करता है। दोस्तों, बहुत बार जो न्यू व्यूअर है उनको प्रॉब्लम होने लगता है क्या कि आई का ओ का क्यों नहीं लिखा, तो ये बोवेल से बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सितंबर या जनवरी मंथ का वीडियो में बता दिया हूँ कि ये सारा डिटेल्स, इसको याद कैसे करते हैं कोड को और किसको नहीं लिखते हैं, जनरली बोवेल्स को नहीं लिखते हैं, वो मैंने वीडियो में कवर कर दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पर मैं लिखूँगा कोड और वो किस आर्टिकल से बिलोंग करता है। अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति। तो जिसके पास कार्य और शक्ति, मतलब जिसके बहुत सारा काम हो, मतलब कार्य मतलब क्या है कि बहुत सारा वो काम करता हो, उसके पास बहुत सारा शक्तियाँ हो, तो वो क्या कर सकता है? सब लोग उसको सलाम करेंगे। क्या करेंगे लोग? सलाम करेंगे, यार उसके पास पावर है। तो देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति, तो ये शक्ति जिसके पास रहेगा उसको लोग क्या करते हैं? सलाम देते हैं। क्या करते हैं? सलाम देते हैं। एस का कोड होता है, ए का कोड नहीं होता, एल का कोड होता है, ए का कोड नहीं होता, एम का कोड होता है। एस का कोड 0 होता है दोस्तों, एल का कोड 5 होता है और एम का कोड 3 होता है। तो ये किस आर्टिकल से बिलोंग करेगा दोस्तों? 53, आर्टिकल 53 से ये बिलोंग करेगा, आर्टिकल 53 से ये बिलोंग करेगा, राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति। तो ये दो आर्टिकल्स क्लियर हो गया होगा आपको दोस्तों, ये दो आर्टिकल्स क्लियर हो गया होगा, 52 एंड 53। तो फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 52 एंड 53 को, ये आसान है। 52 को बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 53 को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इलेक्शन है, राष्ट्रपति का इलेक्शन, मतलब राष्ट्रपति को आप क्या बोल सकते हैं कि उनको इलेक्शन कैसे, किस मैनर से किया जाता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, निर्वाचन, तो उनको कौन करता है? फ्रेंड्स, एक बात याद रखें कि जो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, मतलब वाइस वर्सा, एक दूसरे को दिलाते हैं। तो उनको जो निर्वाचन करने वाले हैं, उन लोग कौन करने वाले हैं? लॉयर लोग। कौन करने वाले हैं? लॉयर लोग। तो जब भी आएगा कि निर्वाचन प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में बिलोंग करता है, तो आपका दिमाग में क्या आएगा कि लॉयर लोग क्या कर रहा है? निर्वाचन कर रहा है। किसका? प्रेसिडेंट का। लॉयर लोग, सब लॉयर लोग मिलके, तभी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाता है। पहले लॉयर लोग क्या किया? निर्वाचन करके ले गया, उसको इलेक्ट करके ले गया, तो बोला कि ये प्रेसिडेंट के लिए फिट है, ये प्रेसिडेंट के लिए फिट है। सारे लॉयर लोग ले गए कि ये परफेक्ट है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को जो हेड होते हैं, वो क्या बोलेंगे? ओके, चलो इनको शपथ दिला देते हैं। तो बस आपको जब भी दिमाग में, जब भी आएगा एग्जाम में क्या कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो लॉयर लोग क्या किया था? उसको इलेक्ट किया था। तो बस लॉयर आपको याद रखना है, लॉयर। तो देखिए ध्यान से, एल का कोड होता है दोस्तों,
एल का कोड होता है, ए का कोड नहीं होता, डब्ल्यू का कोड नहीं होता, वाई का कोड नहीं होता, ई का कोड नहीं होता। देखिए सारा बोवेल है, ये सारे का कोड नहीं होगा। आर का कोड होता है, तो एल का कोड 5 होता है दोस्तों, आर का कोड कितना होता है 4 होता है। तो आर्टिकल 54 आर्टिकल 54 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, 54। तो ये सारा आर्टिकल्स फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं कोई भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम उठा के हर एग्ज़ाम में पूछा गया है ये सारा। तो ये सारा जो टॉपिक आज कवर कर रहे हैं, जितना आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं, रिलेटिवली जो थर्ड तीसरा पार्ट तीस अप टू थर्ड पार्ट तक किया मैंने, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 पार्ट। तो ये वीडियो को आसानी से अच्छे से देखें और याद करते जाएं मेरे साथ। अगला दोस्तों देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका। तो जो तरीका होगा वो लॉयल होगा, वफादार होगा। लॉयल मतलब, लॉयल मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे अपना ही किसी से झूठ नहीं बोलना, मतलब अच्छा। तो लॉयल उनका जो निर्वाचन का जो तरीका होगा वो क्या होगा, लॉयल होगा। क्या होगा, लॉयल होगा। तो देखिए ध्यान से, एल का कोड क्या होगा, ओ का कोड नहीं होता, वाई का कोड नहीं होता, ए का कोड नहीं होता, एल का कोड होता है। एल का कोड 5 होता है दोस्तों, और एल का कोड 5 होता है तो ये किस आर्टिकल से बिलोंग करेगा, 55 आर्टिकल 55 से ये बिलोंग करेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। 55 आर्टिकल को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आसान है, इंग्लिश में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग परेशान ना हुए। अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि। तो किसी भी जॉब में देखिए कि जो पदावधि होती है, कार्य कितना दिन तक वो करेगा, तो वो क्या होगा, जब तक वो खुश है, जब तक वो खुश है तब तक वो रहेगा, मतलब लाभ, क्या करना है आपको, लाभ। तो राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्र की पदावधि, पदावधि मतलब वो कब तक रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, 56 आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये किस आर्टिकल में लिखा गया, किस आर्टिकल से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना है कि जो पदावधि है वो, पदावधि मतलब वो कितना दिन तक रहेगा, टर्म ऑफ क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कब तक रहेगा। तो जब तक लोग खुश रहेंगे तब तक वहाँ पे रहेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं भी जॉब भी कर रहे हैं तो खुश रहेंगे, मतलब लाभ क्या होगा, लाभ। तो जब तक खुश रहेंगे या मतलब हंसते रहेंगे तब तक वहाँ पे रहेंगे। तो एल का कोड होगा, ए का कोड नहीं होगा, यू का कोड नहीं होगा, जी का कोड होगा, एच का कोड नहीं होगा। देखिए एल का कोड 5 होगा, जी का कोड 6 होगा। तो ये किस आर्टिकल से बिलोंग करेगा दोस्तों, 56 आर्टिकल से बिलोंग करेगा, राष्ट्रपति की पदावधि। अगला देखते हैं दोस्तों 52, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। देखिए ध्यान से, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, इंग्लिश में बोलते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। तो देखिए दोस्तों, जो इंडिया में है, इंडिया में क्या है कि इनका इलेक्शन बार बार हो सकता है, बहुत बार हो सकता है, लेकिन वही आप अगर यूएसए में देखते हैं तो क्या होगा, 2 बार रह सकता है मैक्सिमम, उसके बाद नहीं रह सकता, जैसे बराक ओबामा का केस में। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिया है वो बार बार इलेक्शन में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम रहे, फिर से रहना चाह रहे हैं, अगर लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं तो वो बार बार रह सकते हैं, बहुत बार रह सकते हैं। इसका कोई समय सीमा अब फिक्स नहीं किया गया है, अगर फिक्स नहीं किया तो लाखों बार, हजारों बार रह सकते हैं। तो बस आपको दिमाग में रखना है बस कि अगर उनका समय सीमा नहीं है तो लाखों बार, जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार ये लाखों बार रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका समय सीमा है ही नहीं, लाखों बार हजारों बार रह सकता है। तो बस आपको याद रखना है क्या, लाखों बार। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, एल का कोड होगा, ए का कोड नहीं होगा दोस्तों, के का कोड होगा, एच का कोड नहीं होगा, ओ का कोड नहीं होगा, एल का कोड 5 होगा दोस्तों, और के का कोड 7 होगा। तो कितना हो गया, किस आर्टिकल से बिलोंग करेगा, 57 आर्टिकल 57 से क्या बिलोंग करेगा, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। जो शर्त लिखा गया है,
तो फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो जो शर्तें हैं इसमें वो क्या क्या शर्तें हैं कि कोई भी ऑफिस प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कई दूसरा जगह पे आपका गवर्नमेंट उस तरह का जॉब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोभी तरह का नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट इधर बन गया उधर भी आपका काम चल रहा है, उधर भी आपका गवर्नमेंट कुछ काम चल रहा है, गवर्नमेंट में जॉब है, इधर भी प्रेसिडेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए अपना जो आपको अलाउंसेस मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, उसका एंजॉय कर रहे हैं, उधर का भी कर रहे हैं। तो ऐसा लोभी नहीं होना चाहिए, ऐसा लोभी नहीं होना चाहिए। तो बस आपको याद रखना है क्या कि जो शर्तें हैं, शर्तें क्या है प्रेसिडेंट के लिए, कि जो प्रेसिडेंट होगा उसको लोभी नहीं होना चाहिए, लोभी जो होगा उसको प्रेसिडेंट के लिए नहीं बिठाया जाएगा या प्रेसिडेंट के लिए उसको इलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो शर्तें क्या है कि वो प्रेसिडेंट को लोभी नहीं होना चाहिए, या प्रेसिडेंट को लोभी अगर होगा तब उसको नहीं किया जाएगा। तो लोभी वर्ड याद रखना है, क्या रखना है, लोभी। बस लोभी सबका क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एल का कोड होगा, ओ का कोड नहीं होगा, बी का कोड होगा, एच का कोड नहीं होगा, आई का कोड नहीं होगा, एल का कोड क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, बी का कोड 9 होगा। तो ये किस आर्टिकल से बिलोंग करेगा दोस्तों, 59, आर्टिकल 59 से बिलोंग करेगा। तो देखिए ध्यान से, ये राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, लो भी याद रखना है, 59 आर्टिकल से बिलोंग करेगा, सारा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारा। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या त्याग पत्र, तो कोई भी शपथ या त्याग पत्र किसको देता है, ये जिसको देगा वो तो डिटेल पढ़ने के बाद पता चलेगा दोस्तों, बस हमें ये आर्टिकल याद करना है। तो आर्टिकल बस याद रखना है कि शपथ पत्र या त्याग पत्र लोग गुस्सा में देते हैं। लोग क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तभी तो देते हैं कि लो यार हम रिजिग्नेशन दे रहे हैं, तो गुस्सा में देते हैं, क्या करते हैं, गुस्सा में देते हैं। तो बस ये क्लियर हो गया आपका। देखिए, जी का कोड होता है, यू का कोड नहीं होता है, एस का कोड होता है और ए का कोड नहीं होता है। जब डबल दोस्तों दो बार एस लिखते हैं, अगर दो बार एस होगा तो उसको सिंगल ट्रीट करेंगे। जब भी जहाँ कहीं भी अगर आता है डबल एस या सेम मीनिंग का, सेम कोड का, सेम दो, तो उसको क्या करेंगे, एक सिंगल लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, जी का कोड कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। जी का कोड कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। एस का कोड 0 होता है, एस का कोड क्या होता है, 0। तो ये 60 आर्टिकल से बिलोंग करता है, ये 60 आर्टिकल से बिलोंग करता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 60 से बिलोंग करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या त्याग पत्र किस आर्टिकल में लिखा गया है या किस आर्टिकल में है, तो ये 60 आर्टिकल में है। किस में, 60 आर्टिकल, ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। इसलिए ये जो आर्टिकल का ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को आप ध्यान से देखें और याद करते जाएं साथ साथ में। और मैंने कोशिश किया है जो ट्रिक बनाने का वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, इससे रिलेटेड वर्ड ही है, मुझे इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो आप इसको ध्यान से देखें और समझे। देखिए आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 61 से बिलोंग करता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है, अगर वो गलती करेगा तो उसका एक प्रोसीड्यूर होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, उनको हटाया भी जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट बन गए तो वो राजा महाराजा ऐसा हो गए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर वो गलती करते हैं, गलती मतलब क्या है कि अगर वो जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके अगर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो उनको भी हटाया जा सकता है सम प्रोसेस से। तो इसलिए देखिए ध्यान से, जो इम्पीचमेंट होता है वो क्या है, एक तरह का हटाने का प्रक्रिया है, क्या है, हटाने का प्रक्रिया। और आप किसी को हटाओगे, भगाओगे तो किधर से बोलोगे, गेट से बाहर, क्या बोलोगे, गेट से बाहर, यही तो बोलते हो। अगर किसी को हटाना है आपको,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई गलत कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, गेट आउट, मतलब गेट से बाहर चले जाओ, यहाँ दिखो भी नहीं, गेट से बाहर। तो बस आपको याद रखना है गेट। तो जब भी इम्पीचमेंट आएगा, मतलब किसी को हटाने का, तो आपका दिमाग में क्या आएगा, हटाने के लिए मुझे गेट से बाहर करना पड़ेगा इसको, तो गेट से बाहर। देखिए ध्यान से, जी का कोड होता है दोस्तों, ए का कोड नहीं होता है, टी का कोड होता है, ई का कोड नहीं होता है। तो देखिए ध्यान से, जी का कोड कितना होता है दोस्तों, जी का कोड 6 होता है, टी का कोड 1 होता है। तो ये किस आर्टिकल से बिलोंग करेगा, 61, किस आर्टिकल से बिलोंग करेगा, 61। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो ये गेट याद रखेंगे, और ये 61 आर्टिकल से बिलोंग करता है। अगला देखिए दोस्तों, और दोस्तों ये जो इम्पीचमेंट वाला है ना, ये इम्पीचमेंट वाला अगर एग्ज़ाम में आता है कि इम्पीचमेंट का जो ये है, ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, किस कंट्री से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। किस कंट्री से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है इसको। अगला देखते हैं, क्षमा। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, ये पावर स्टार्ट हो गया, यहाँ से पावर स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया दोस्तों, पावर, प्रेसिडेंट का पावर, यहाँ से पावर स्टार्ट हो गया। तो सारा पावर को हम लोग देखेंगे, देखिए ध्यान से, क्षमा दान देने की शक्ति, क्षमा दान देने की शक्ति। तो क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास है दोस्तों, अब क्या होता है ना कि लोग पूछते रहते हैं यार कि अगर किसी को फांसी हो गया या फिर बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में है तो क्षमा कौन देगा, क्षमा कौन देगा, वो पूछता है, घूमता रहता है कि क्षमा कौन देगा, कौन ऐसा आदमी जो क्षमा देगा। अगर मान लो किसी को फांसी होने वाला है तो वो पूछेगा कि यार क्षमा कौन देने वाला है, क्षमा कौन दे सकता है, कौन दे सकता है, क्षमा कौन दे सकता है। तो बस क्षमा दान देने के लिए कौन है, तो के का होता है, ए का नहीं होता है, यू का नहीं होता, एन का होता है। के का कोड कितना होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से, के का कोड 7 होगा, एन का कोड 2 होगा, कितना होगा दोस्तों, 72। क्या होगा ये, 72। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स ETC एंड टू सस्पेंड रिमिट्स और कम्यूट सेंटेंस इन अ सर्टेन केसेस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट ए पार्डन्स ETC एंड टू सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये इंग्लिश में बोलते हैं क्षमा दान देने की शक्ति। तो ये 72 आर्टिकल से बिलोंग करता है, ये भी हो गया। अगला, लोकसभा का विघटन। तो देखिए ध्यान से, लोकसभा का विघटन कब होता है दोस्तों, लोकसभा का विघटन कब होता है, देखिए ध्यान से, राज्यसभा तो नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, लोकसभा का विघटन होता है। तो देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि राज्यसभा का डिजोल्यूशन नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता है कभी, तो फर्स्ट टाइम कैसे हुआ होगा, तो फर्स्ट टाइम दोस्तों लॉटरी सिस्टम से हुआ था। तो अगर एग्जाम में आता है कि फर्स्ट टाइम कैसे हुआ था होगा, जब ये डिसॉल्व होता ही नहीं तो फर्स्ट टाइम कैसे हुआ होगा, तो लॉटरी से हुआ था, जिस तरह हम लोग लॉटरी करते हैं उस तरह लॉटरी सिस्टम से हुआ था। आगे, लोकसभा का विघटन। तो लोकसभा का विघटन कब होता है दोस्तों, जब उसका रिप्रेजेंटेटिव या जो भी है लोकसभा का मेंबर, उन लोग क्या करते हैं, अपना मेजोरिटी अगर साबित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, उसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो लोकसभा अगर अपना सारे मेंबर को अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम पे, तो क्या हो जाएगा, विघटन हो जाता है। तो उन लोग क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। तो अगर उनका फेल हो जा रहे हैं तो विघटन हो जाएगा। F का नहीं होगा, A का कोड नहीं होगा, I का कोड नहीं होगा, L का कोड होगा। तो दोस्तों F का कोड 8 होता है और L का कोड 5 होगा, तो 85 आर्टिकल से बिलोंग करेगा। तो एग्ज़ाम में आएगा कि लोकसभा का विघटन किस आर्टिकल में बिलोंग करेगा, तो 85 क्या हो जाएगा, 85। इसको क्या बोलते हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोपागेशन एंड डिसोल्यूशन। आगे देखता हूँ दोस्तों, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आप याद कर लें, क्योंकि इसको ट्रिक बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा लेकिन बन भी नहीं पाया। ये 123 आर्टिकल से बिलोंग करता है। ये किस आर्टिकल से बिलोंग करता है, 123। अगर आपको याद करना है तो बस आप ये याद कर सकते हैं कि जो विश्रांति काल में अध्यादेश,
तो ये जो अध्यादेश होता है वो क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में अगर उस समय कोई सेशन नहीं चल रहा है तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के होते हुए काम हो जाता है। तो बस आप याद रखें कि लोकसभा इसमें कौन इंक्लूड है, अध्यादेश में कौन कौन इंक्लूड है, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों। तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे याद रख सकते हैं, 1 2 3 लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों, 1 2 3 तीनों का ये है अध्यादेश। अब याद रखें आगे, उच्चतम न्यायालय से सलाह, जो प्रेसिडेंट का है, उच्चतम न्यायालय से सलाह। तो जो 123 आर्टिकल है दोस्तों वो क्या है, देखिए ध्यान से, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 123 आर्टिकल्स क्या बोलता है दोस्तों इंग्लिश में, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंटेड, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हो गया इसका इंग्लिश। अब देखिए ध्यान से, उच्चतम न्यायालय से सलाह, तो उच्चतम जो न्यायालय है उसे सलाह के लिए लेना एक धर्म है, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना एक धर्म है। तो देखिए ध्यान से, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना एक धर्म है, डी का कोड होगा, एच का कोड नहीं होगा, ए का कोड नहीं होगा, आर का कोड होगा और एम का कोड भी होगा, डी का 1 होगा दोस्तों, आर का कोड 4 और एम का कोड कितना होगा 3। 143 आर्टिकल से बिलोंग करेगा उच्चतम न्यायालय से सलाह। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, 143 को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय से सलाह प्रेसिडेंट लेता है। एक तरह का धर्म है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या, एक तरह का मंदिर है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरह का मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ सोच समझ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो एक तरह का वो मंदिर है और वहाँ से सलाह लेना एक तरह का हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हमारा क्या है, धर्म है। तो बस धर्म से याद रखना है 143। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा। देखिए, राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा, जब राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा हो जाता है तो लोग को मिलना जुलना बंद हो जाता है। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो लोगों को मिलना जुलना बंद हो जाता है, मतलब मिलना नहीं है, मिलना एकदम ही नहीं है। जैसे अभी चल रहा है दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, सारे लॉकडाउन हो रहा है, इसका मतलब अभी भी मिलना जुलना नहीं है। ये एक तरह का नेशनल इमरजेंसी है, बट उसमें नेशनल इमरजेंसी में पुलिस फोर्स यूज किया जाता है, बट इसमें नहीं यूज किया जाएगा। यहाँ पे खुद अपना समझदारी से हमें एज ए नेशनल इमरजेंसी फील करना है, बट वो है नहीं। तो क्या है, हमें मिलना जुलना नहीं है, बाहर से मिलना जुलना नहीं है। तो बस आपको याद रखना है कि मिलना नहीं है, नेशनल इमरजेंसी मतलब मिलना नहीं है किसी से, अकेला घर पे रहना है, मिलना जुलना नहीं है। तो बस नेशनल इमरजेंसी मिलना नहीं है, एम का होगा, आई का नहीं होता दोस्तों, एल का होता है, एन का होता है, ए का नहीं होता। देखिए ध्यान से, एम का 3 होता है दोस्तों, एल का 5 होता है और एन का कितना होता है, 2। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, ये आर्टिकल्स बार बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किस आर्टिकल में लिखा गया है और ये पावर किसके पास है। ये पावर प्रेसिडेंट पास है, ये पावर किस पे है दोस्तों, प्रेसिडेंट पास है। तभी इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 1975 को क्या किया था, प्रेसिडेंट को बाई फोर्सफुली उनको क्या बोला कि नेशनल इमरजेंसी आप घोषित कीजिए। और दोस्तों नेशनल इमरजेंसी घोषित हो गया, और नेशनल इमरजेंसी कब हुआ था, 25 जून 1975 को। नेशनल इमरजेंसी कब हुआ था, फर्स्ट 25 जून 1975। अगर आप डेट में कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये जो जून वाला 25 जो जून है, ये 75 को डिवाइड कर देता है, 75 को डिवाइड कर देता है। तो बस ये याद रखें, अगर कभी भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में क्या है, तो बस आप ये याद रखें कि क्या हो गया था। देखिए ध्यान से, 25 जून, अगर एग्ज़ाम में किस तरह आएगा, देखिए ध्यान से, 25 जून 1975, 24 जून 1975, 26 जून 1975, 23 जून 1975,
तो आपका बस ये चीज़ अगर माइंड में रहा कि जो 25 है ये 75 को डिवाइड करता था, तो जब भी आएगा कि नेशनल इमरजेंसी कब हुआ था तो 1975 में हुआ था, और डेट कौन सा था अब भूल गए, कोई बात नहीं, इसको डिवाइड करता था तो कौन सा है सर 25, तो ये 25 जून होगा, 25 जून इसको डिवाइड कर रहा है 75 को सिर्फ। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों देखिए ध्यान से, अगला जो है वो ये है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराना, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराना, ये भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ये सारा पावर है जो यू भी यूज कर रहे हैं, सारा पावर है। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी हुआ तो मिलना बंद हो गया, अब मिलना बंद हो गया तो आप कहाँ पे रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, तो अब घर पे रह रहे हैं तो कुछ पुण्य का काम कर लीजिए, क्या कर लीजिए, पुण्य का काम कर लीजिए। तो जो बूढ़े हैं, मतलब आपके अगर पापा हैं बूढ़े, तो एक पुण्य काम ये कर लीजिए कि उनको थोड़ा मालिश कर दीजिए, क्या कीजिए, उनका पैर हाथ में थोड़ा मालिश कर दीजिए, तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा, क्योंकि ये छुट्टी में आपको भी एक तरह का पुण्य काम करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि किसी से मिलना जुलना है नहीं, घर पे पढ़ना है और थोड़ा बहुत जो टाइम मिल रहा है वो क्या करना है, फैमिली के साथ स्पेंड करना है, उसके बाद अगर और टाइम मिल रहा है तो क्या करना है, थोड़ा मालिश कर देना है, बच्चे के साथ खेलना है, तो ये क्या करना है, मालिश करना है, मालिश मतलब एक तरह का सेवा होता है, तो मालिश कर दीजिए, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट माना जाता है दोस्तों। अगर आप बुढ़ापे को अगर थोड़ा सेवा करते हैं, उनका मालिश करते हैं, पैर हाथ दबा देते हैं, तो ये सबसे बड़ा उनका लिए गिफ्ट होता है, ये नहीं कि कुछ खरीद के ले गए सामान वो बहुत बड़ा गिफ्ट हुआ। तो जिस स्टेज में बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए मालिश करो या ना करो, उनके लिए गिफ्ट ले जाओ, वही उनके लिए सब कुछ है। तो हर एक एजेस में हर एक चीज़ का ज़रूरत होता है और उसका अहमियत बदल जाता है, तो जिनको जिस एज में जो ज़रूरत है हमें उनको वही करना चाहिए, उनमें उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनका मालिश करना चाहिए, तो ये पुण्य है। तो जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो हमारा राज्य है ना, हम तो एक राज्य में रहते हैं और हमारा राज्य में ही राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, मतलब हमको नहीं निकलना है, और भी नहीं निकलना है, तो और भी नहीं निकलना है, इसका मतलब क्या, कुछ तो काम कर लेते हैं पुण्य का, तो मालिश कर देते हैं। तो बस आप याद रखना है कि मालिश एम का कोड होता है दोस्तों, ए का कोड नहीं होता, एल का कोड होता है, आई का कोड नहीं होता, एस एच का कोड होता है। देखिए ध्यान से, एम का कोड 3, एल का कोड 5, एस एच का कोड 6, ये 356 आर्टिकल से बिलोंग करता है दोस्तों। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराना, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं, इसको स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हैं, इसको नेशनल इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी में थोड़ा सा दो पॉइंट याद रखना दोस्तों, जो स्टेट इमरजेंसी है सबसे ज़्यादा किस स्टेट में अभी तक लगा हुआ है, तो ये यूपी है जो 10 बार लगाया गया है। तो जब भी एग्ज़ाम में आता है कि जो स्टेट इमरजेंसी है सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट या सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगाया गया, किस स्टेट में लगाया गया, तो आपको याद रखना है क्या, यूपी में लगाया गया। कितना बार लगाया गया, 10 बार। और मिनिमम कहाँ पे लगाया गया, मिजोरम में लगाया गया। कहाँ लगाया गया, मिजोरम में एक ही बार लगाया गया। तो बस याद रखना है, मिजोरम में एक बार लगाया गया और यूपी में मैक्सिमम 10 बार लगाया गया, कौन सा, स्टेट इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 को एक बार लगाया गया है। अगला देखते हैं और लास्ट, अगला क्या दोस्तों, वित्तीय आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए दोस्तों, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसमें क्या, आप सोचिए ध्यान से देखिए कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, जैसे अभी कोरोना का कहर चल रहा है, अगर मान लीजिए कोई कंट्री का पास प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया, मान लीजिए खाने उने का भी प्रॉब्लम हो गया, तो वो क्या करेगा, जो उसका पड़ोसी कंट्री है जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया के अंदर कोई भी जो कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, अगर किसी के साथ अगर इस प्रॉब्लम से गुजरता है, तो वो क्या करेगा, नेबरिंग कंट्री को क्या करेगा, कुछ मांगने की कोशिश करेगा, कुछ हेल्प करने की कोशिश करेगा, टैरिफ ज़ीरो लगा के उस पर कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या होगा, कब पॉसिबल है, जब एक दूसरे का मिलाव होगा, एक दूसरे का मिलाव होगा, हाथ मिलाएंगे और मीटिंग करेंगे कि हाँ हम ये आपको हेल्प करेंगे, ऐसा करेंगे, आप ये प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो मिलाव, एक तरह का मिलाव होगा, तभी क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल जो इमरजेंसी के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुआ, वो चीज़ को दूर करना है, वो चीज़ को दूर करना है। तो ये मिलाव क्या याद रखना दोस्तों, मिलाव। तो यहाँ से आप ये क्लियर हो गया कि मिलाव सही रहेगा तभी ये दूर होगा। तो M का होगा दोस्तों, I का नहीं होगा, L का होगा, A का नहीं होगा, B का होता है। M का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों,
3, L का 5 और V का 8। बी का कितना हो गया 8। तो ये 358 आर्टिकल से बिलोंग करता है। जो वित्तीय आपातकालीन है, फिनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों अभी तक कभी नहीं लगा है, लेकिन भूखमरी का केस एक बार हुआ था 1943 में बंगाल में। तो जब भी एग्ज़ाम में आता है कि जो हंगर या फिर भूखमरी कौन सा ईयर में हुआ था, तो ये 1943 में हुआ था, 1943 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों का इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा मैं बता दिया, क्या क्वेश्चन आ सकता है, और ये सारा आर्टिकल्स को भी मैं कवर कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मेरे ख्याल से एक दो बार पढ़ने के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। और ये सारा आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मज़ा आए और उन्हें भी पढ़ने में और थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, क्योंकि ये नेमोनिक मेथड से हमें थोड़ा इंटरेस्ट बनता है और हमें इंटरेस्ट जगता है आगे पढ़ने को, और नंबर को याद करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।